नमस्कार, इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा अभी कुछ ही देर पहले होता है, जिसमें चार बच्चों को इस तेज रफ्तार गाड़ी ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि दो मासूम बच्चे तो 5-5 फुट ऊपर उछले और दो बच्चों की मौत हो गई, दो की हालत जबकि गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। चारों बच्चे, जिसमें से दो भाई बताए जा रहे हैं और दूसरे भी दोनों भाई बताए जा रहे हैं, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है जिसमें चार मासूम बच्चों को इस तेज रफ्तार गाड़ी ने, जिस पर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं, उस गाड़ी ने चार मासूम बच्चों को कुचल दिया, दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है, दो की हालत गंभीर बनी हुई है। करनाल के हांसी मोनक रोड पर, जहां पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है और व्हीकल्स आप देख सकते हैं, बड़े बड़े रेत के डंपर, बड़े बड़े खनन के डंपर यहां से चलते हैं, पहले भी बहुत से हादसे इस तरह के हो चुके हैं। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में यहां से ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं, टोल टैक्स बचाने के चक्कर में ज्यादा गाड़ियां यहां से निकलती है। ये मासूम बच्चे, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर खेल रहे थे, जहां पर आप देख सकते हैं बच्चों की चप्पलें पड़ी है, यहां पर ये बताए जा रहे हैं मासूम बच्चे खेल रहे थे और गाड़ी सामने से आती है, यहां पर आप ये जो निशान देख रहे हैं, गाड़ी यहां से चढ़ती हुई और पेड़ को तोड़ती हुई सामने जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, और किस तरह से इस हुए हादसे में चार मासूम बच्चों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि उस परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी, जिनके परिवार के ये मासूम बच्चे हैं, चार मासूम बच्चों में से किस तरह से इस दुखद हादसे में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है इस परिवार का, किस तरह से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और सभी ये चाह रहे हैं कि ऐसी गाड़ी चालक को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। बहन जी, कितनी देर पहले हादसा हुआ था, क्या देखा था आपने? देखा था, दारू पी के चला गया, एक्सीडेंट कर दिया, दारू पिया था लोग, दारू पीपी के चलाया, दो मिनट से चार बच्चे थे, दारू पिया था ड्राइवर लोग। आपके बच्चे भी थे इसमें? दो मेरे थे, दो भतीजे थे मेरे, दो भतीजे, दो भाई। तो आप देख सकते हैं, दो भाई इन परिवार के बताए जा रहे हैं, बहन उनकी यहाँ पर अपने भाइयों का इंतजार कर रही है, लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया। आप देख सकते हैं करनाल के हांसी मुनक रोड पर यह दुखद हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। परिवार के तमाम लोग काफी ज्यादा आहत है। बच्चे यहाँ बाहर खेल रहे थे? खेल नहीं रहे थे जी, उधर मेरी सास रहती है, मेरी सास के पास जा रहे थे वो बच्चे, दो तो मेरी ननद की है, दो मेरी जेठानी की है, दोनों भाई है, दोनों एक लड़का एक लड़की, इसके बहुत तेज आ रहा था गाड़ी वाला, हमने देखे तो नहीं बहुत, लेकिन बहुत तेज हमें आया, बच्चों को उड़ा ले गया, वहाँ जाकर पटका बच्चों के फल, इधर को कर ली थी उसने गाड़ी, और जब ले गया था उड़ा के, दारू पी रखी थी उनने, कार्रवाई हो इसके खिलाफ जी, फांसी की सजा देनी चाहिए, वो तो दारू पी के चला है, दारू पी के मैं तो फांसी की सजा दिलवाऊंगी, यहाँ पर तैरूड़ा वहाँ जा रहे थे, उधर से गाड़ी आया टकरा के वहाँ की पेड़ टक के फिर रुकी वहाँ पर, दारू पिया होगा तब। देख सकते हैं उनके भाई हैं, किस तरह से उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप देख सकते हैं इन बिचारों को तो पता भी नहीं है कि दो बच्चों की जान चली गई है, आप देख सकते हैं इन बच्चों को तो पता भी नहीं है कि दो मासूम बच्चों की जान चली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चार मासूम बच्चे जो एक परिवार के थे, बाहर अभी खड़े ही थे, कहीं जाना था या खेल रहे थे, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत साइड में थे, सड़क से बहुत साइड में थे, और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने किस तरह से आकर उनको बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें दो मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं दो मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। सर जी, गरीब बंदे का कोई सुनवाई नहीं, अगर ये आम आदमी होता नहीं जी, उसकी सारी सुनवाई हो जाती सर, आप गरीब सुनवाई क्या हो रही सर, बताइए जो ये पुलिस सर, एक मिनट, जो सर मर गया उसका मुलाजिम आप बनाइए, एक मिनट, जो जिम्मेदार होता जमीन वालों होता है, इसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करता भैया? फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम करेंगे, और जिसका कार्रवाई करेंगे, और जिसमें दो लड़के जो खत्म हुए ना सर जी, उनके तो माँ भी नहीं है, पिता ही पता है, हमें उसे कानून सर से करवाई दीजिए, उनको जो हो रहा है उसको मुलाजिम आप दिलाइए, कार्रवाई है, मुकदमा उस पर दर्ज करेंगे और उसको अरेस्ट कर लेंगे, उसमें कोई यार कार्रवाई करेंगे सर। इनके क्या होगा, जो गरीब आदमी दिहाड़ी करके खाते थे, दो दो चार चार एक एक बच्चे, एक ही सदस्य के चार बच्चे सर,
एक ही सदस्य के और एक ही घर की सर आम होते मना लेते सर, दिहाड़ी करके आदमी काम कर रहा सर, ठीक है नहीं है सर तो बात माने, लेकिन जो मर गया उसका मुलाजिम आप दिलाइए और जो जो मारा है उसको जो न उसको सत्य करवाई नहीं दी है। एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर बस करके मैं सर ये रिक्वेस्ट है एफआईआर दर्ज करेंगे, जो जिसको मारा है अपनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसको जो मारे बच्चे उनको मुलाजिम आप दिलाइए, वो तो करेंगे कानूनी कार्रवाई तो करेंगे। गरीब आदमी बाबू जी बताइए, आप बताइए सर ये कहां जाएगी, आप सोचिए बिल्कुल भाई, पुलिस ऐसे चो खुद आया मौके पर, सक्सेस कार्रवाई होगी उसकी टेंशन ना लो, जो हादसा हो गया उसको तो आज के सर चार बच्चे मार गए, कल के आदमी बड़े आदमी बुजुर्ग मार देंगे, उसकी जिम्मेदारी आप कौन लोगे, सरकार लेगी कौन लेगा आप बताइए, जो करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं जो मर्जी सरकारी हमें इसके ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बच्चे मार गया उसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है, सरकार तो कोई नहीं करेगा सर, जितनी सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे हम ये करिए सर, कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इन बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा जरूर देना चाहिए सर, जरूर मिलना चाहिए सिद्धि, हाँ जी क्योंकि चार बच्चे का थोड़ी बात नहीं सर, ये बात गरीब आदमी है सर, दिहाड़ी कर रहे मजदूरी खा रहे सर, उनके मार चला बताइए ऐसे की बिल्कुल बिल्कुल परिवार को मुआवजा तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हकीकत में उस परिवार पर क्या बीत रही है जिनके परिवार के एक बहन थी और दो बच्चे थे, दो भाइयों की मौत हो गई, दो भाइयों की मौत हो गई मोनेक से लेके आप तक का एक मिनट हादसा होता है सर, ठीक है सर, एक तो जब से ये ट्रैफिक जो यू टूल टैक्स चालू हो गया सर, टूल टैक्स से बचाने के चक्कर में सर सारी गड्डी वाले कोई भी गड्डी वाला हो छोटी हो बड़ी हो सारे पैसे बचाते इसमें चलते सर, या तो इसमें जोड़ कोई टूल टैक्स छोटा है हम बड़ा पास हो गया बनाते क्यों नहीं, हम ये क्या बताए अब बताइए मार दिए बच्चे को नहीं बताइए, वो बच्चे एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद है, एसएचओ साहब एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ कि चार बच्चों को गाड़ी ने कुचल दिया, जानकारी ये मिली है कि दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है, क्या जानकारी मिली जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे सर, हमें सूचना मिली थी कि एक डिजायर गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है जिसमें चार बच्चों को चोट लगी है, जिसमें दो एक्सपायर बताए जा रहे हैं और दो का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो सर गाड़ी वाले के खिलाफ रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज होगा क्योंकि गाड़ी साइड में चढ़ी है, सड़क पर नहीं बच्चे साइड में खड़े थे जहां से गाड़ी के टायर के निशान देखे जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो इनकी कंप्लेंट लेके और उसमें एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की सर, पता चला गाड़ी पर जो एक पुलिस का स्टिकर होता है जैसे पुलिस के परिवार में कोई हो या खुद पुलिस वाला हो, कुछ पता चला कि किसकी गाड़ी है, उसमें अभी इसको वेरीफाई कर लेंगे और उसको जल्दी ही राउंड अप करके और कार्रवाई की, मौके से बता रहे फरार भी हो गया गाड़ी छोड़, हाँ वो जैसे अभी बता रहे थे कि यहां से वही उनको दूसरी गाड़ी में डाल के ले गया और वो हॉस्पिटल से वहां से फरार हो गया, बाकी उसको वो अभी चेक कर लेंगे लोगों का गड्डी, इसको अभी ले जाएंगे और चेक करके कार्रवाई करेंगे, तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं एसएचओ खुद मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, आप देख सकते हैं क्या कार्रवाई चाहेंगे आप ऐसे लोगों के खिलाफ, क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों के, सर हम ऐसे कार्रवाई कुछ नहीं है सर, जो मार गया बंदे को उसको सदस्य करवाई दीजिए और जो बंदा जो मरे है उनको सदस्य कुछ कुछ मुलाजिम दीजिए, गरीब आदमी भीतर, ठीक है सर, और फिर दूसरी बात जो ये ट्रैफिक जो चल रहा है टोल टैक्स बचाने के चक्कर में इसको कानून कोई कर सकते सर कार्रवाई करे, मौत बता रहे हैं, हाँ जी दो की मौत होगी, दो की वो भी गंभीर है बता रहे सर, किसका सर, उसको बच्चों का सर वही बता सकते हैं सर, एक सुहेल एक साहिल सर, काफी जोरदार तरीके से, काफी जोरदार तरीके से, और पाँच फुट करीब उठ रहे हैं सर, वे पाँच फुट उठ रहे हैं, गड्ढे में टकराई गाड़ी भी तो आप देख सकते हैं इसकी बहन यहाँ पर मौजूद है, ये बहन है आप देख सकते हैं, इस बहन के दो दो भाई थे उनकी मौत हो जाती है, एक बहुत ही दुखद हादसा है, बहुत ही दुखद हादसा है, एक बहुत ही दुखद हादसा है जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं, हादसा बहुत ही दुखद है, इस परिवार पर क्या बीत रही है आप उसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से एक बहुत ही दुखद हादसा है, किस तरह से परिवार के लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया, रोते रोते रोड पर जाम लगा दिया, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही दुखद हादसा होता है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे थे, हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हालांकि परिवार के साथ जो हुआ जिसने किया
ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। किस तरह से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। SHO मौके पर पहुंच चुके हैं और इस परिवार को समझाने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के हाँसी बोनक रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। चार मासूम बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, जिसमें दो बच्चों की मौत हो जाती है और दो की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जितने भी लोग इस खबर को देखे, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।